वेलकम बैक टू कुक स्टाइल। आज के इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ गोभी का पराठा रेसिपी, जो कि मेरे घर में सबको बहुत ज्यादा पसंद है और विंटर्स स्टार्ट हो गई। तो फर्स्टली मैंने यहाँ पे लिया है ये गोभी, जिसे मैंने कद्दूकस कर लिया है। एज यू कैन सी, मैंने एक मीडियम साइज का गोभी लिया था और उसे कद्दूकस कर लिया है एकदम बारीक, ताकि जब हम इसे अपने आटे में डालें और पराठा बनाएं तो ये फटे नहीं और हमारा पराठा जो है वो बहुत अच्छे से फूले। उसके साथ यहाँ पे डालने के लिए मैंने लिया है ये लहसुन, मिर्चा और प्याज। अभी हम इसमें मसाले भी ऐड करेंगे, जो कि मैं अभी बाद में दिखाऊंगी। सबसे पहले मैं अपने मिर्ची, लहसुन और प्याज को अच्छे से काट लेती हूँ, ताकि हम इसे अच्छे से भर सके। तो इसको काटने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ और दिखाती हूँ कि मैं इसमें कौन कौन से मसाले ऐड करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने कद्दूकस किए हुए गोभी में नमक डाल के रख दिया था, ताकि सब्जियों में जो भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर, जो भी वाटर है वो निकल जाए। जब भी आप सब्जियों का कुछ बनाना हो कद्दूकस करके, तो उसमें नमक डाल के छोड़ दे 5 मिनट के लिए। इससे जो भी उसमें एक्स्ट्रा वाटर होगा वो निकल जाएगा और जो हमारा ये मसाला हम भरने के लिए तैयार कर रहे हैं वो गीला गीला नहीं रहेगा। सो एज यू कैन सी, इसमें जितना भी एक्स्ट्रा पानी था वो हमने निकाल लिया है। अब हमारे पास कद्दूकस किया हुआ ड्राई गोभी है, इसमें हम अपने सारे मसाले को अब ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मिर्च, लहसुन और प्याज को मैंने बारीक कट के रखा है और लहसुन, प्याज और मिर्च को मैं इसमें डाल दूंगी। एक चीज ध्यान रखें कि आपके जो भी कटे हुए सामान है वो थोड़ा बारीक रहे। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हल्दी, धनिया और जीरा, गोल मिर्च का पाउडर। यहाँ पे मैं थोड़ा सा अजवाइन ऐड कर रही हूँ, इससे टेस्ट भी बढ़ेगा और हमारे खाने में ये पाचन के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। इसके साथ मैं ऐड कर रही हूँ नमक। नमक अपने स्वाद अनुसार डालें, क्योंकि हमने पहले से इसमें नमक ऐड किया था, तो अभी हम बस थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, ताकि पानी के साथ जो नमक बाहर चला गया था उसकी कमी को ये पूरा कर सके। सो यहाँ पे मैं इस सब को एक साथ फेंट ले रही हूँ और हमारा आटा भी रेडी हो चुका है। पराठे के साथ खाने के लिए मैं चटनी तैयार कर रही हूँ। चटनी के लिए मैंने लिया है धनिया और लहसुन का पत्ता, उसके साथ 2 मिर्ची और थोड़ा सा लहसुन। तो चलिए फटाफट से मसाले को आटे में डालकर पराठा तैयार करें। सो यहाँ पे मैंने आटे का एक लोई लिया है और इसे कुछ इस तरीके से कर रही हूँ, ताकि इसमें अपने मसाले को भर सकूँ। और एक बात और गाइस, हर किसी के भरने का तरीका अलग होता है, तो आपको जो तरीका आता हो और जो पसंद हो आप उस तरीके से अपने पराठे को भर के बना सकते हो। सो मसाले भरने के बाद हमें अपने पराठे को एकदम हल्के हाथों से बेलना है, ताकि ये फटे नहीं। सो आपको पहले अच्छे से इसमें आटा लगा लेना है और आटा लगा के हल्का सा उसको पतला करना है, ताकि बेलने में हमें इजी रहे। और बिल्कुल हल्के हाथों से आपको इसको बेलना है, ताकि ये फटे नहीं। बहुत ही इजी प्रोसेस है इसको बनाना। जो लोग बनाना बिल्कुल भी नहीं जानते, एटलीस्ट जिनको आलू पराठा बनाना नहीं आता, वो भी इसको बहुत ही इजी तरीके से बना सकते हैं। और ये बहुत ही झटपट बन जाता है, क्योंकि इसमें मसाले को भूजना नहीं होता है, ज़्यादा तामझाम नहीं होता। सो एक बार बना के आप ज़रूर ट्राई करना, एंड कैसा लगा आपको इसका टेस्ट एंड मेरा वीडियो, इसको भी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ पे जो हमारा पराठा है उसे हमें आगे पीछे दोनों तरीके से अच्छे से पका लेना है। उसके बाद थोड़ा सा ऑयल लेके दोनों तरफ हमें लगा देना है और हमारा क्रिस्पी टेस्टी सा पराठा रेडी है। आप इसे मीठी चटनी, तीखी चटनी, जो भी आपको पसंद हो, कोई ग्रेवी वाला सब्जी जिसके साथ आपको पराठा खाना पसंद है उसके साथ खा सकते हैं। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना एंड इस पराठा को भी जरूर ट्राई करना। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।